नमस्कार दोस्तों, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 3 बाई 3। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम समझते हैं अपना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। डिटरमिनेंट एक तरीके से दोस्तों मैट्रिक्स का ही हम निकालते हैं। तो जब मैट्रिक्स का चिन्ह हटाकर हम खड़ी लाइनें खींच देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका डिटरमिनेंट बन जाता है। डिटरमिनेंट वास्तव में एक क्या है? संख्या है। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे जो 3 गुणा 3 लिखा हुआ है, 3 बाई 3 जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो इसमें हम इसके द्वारा समझते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, वो क्या है? एक तो रो, 1 2 3, इसमें रो की संख्या कितनी है वो तो हम पहले लिखते हैं, बाई। दूसरी क्या है? कॉलम, 1 2 3, तीन कॉलम है। देखिए, आड़ी लाइन को हम रो कहते हैं हिंदी में, पंक्ति, खड़ी लाइन को हम कॉलम कहते हैं, यानी स्तंभ। ओके, यह चीज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको एक मैट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब इसको ओपन करते हैं तो हम कुछ नियमों को पालन करते हैं, कुछ नियमों को फॉलो करते हैं। वो नियम क्या है? देखिए, ऐसे रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। R1 के रेस्पेक्ट में तो हम पहले पंक्ति में जो यहाँ चिन्ह लिखे हुए उनको फॉलो करेंगे, सिंपल है। दूसरी के सापेक्ष करेंगे तो दूसरी वालों को फॉलो करेंगे, तीसरी के सापेक्ष और कॉलम। ऐसे करके हम इसको कुल मिलाकर 6 तरीके से ओपन कर सकते हैं। देखिए, 3 पंक्ति होगी, 3 स्तंभ हो गए, कुल कितने हो गए? 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ये रहा R1 दोस्तों, R1 को लिख देता हूं मैं, 3 -1 और आपका -2। गलती क्या कर रहा हूं, इन चिन्हों को नहीं लिखा मैंने, तो चिन्ह को लिख देते हैं। पहले में प्लस रहेगा, लास्ट वाले में प्लस रहेगा। तो प्लस, देखिए, एक ऐसा चिन्ह है जो कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी माइनस है, और इसके आगे यदि हम प्लस लिखेंगे गुणा में तो माइनस माइनस रहेगा। कैसे? प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन यहाँ माइनस है और ये वाला और आएगा माइनस, तो आपका माइनस गुणा माइनस चिन्ह को बदल देता है, क्या कर देता है? प्लस कर देता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स भी आपका साथ ही साथ क्लियर हो रहा है। देखिए, अब इनके साथ हमें क्या लिखना है? डिटरमिनेंट लिखना है। इन डिटरमिनेंट में भरेंगे क्या, उसको समझते हैं। देखिए, 3 कहाँ आ रहा है? 3 आप कहेंगे, सर पहले कॉलम और पहली पंक्ति में आ रहा है, तो इन दोनों को हटा दो, पीछे बचा क्या? ये पीछे बच गया, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, 0 -1 -5 0। अब -1 के पास गया मैं, ये कहाँ आ रहा है? आप कहेंगे दूसरे कॉलम और पहली पंक्ति में आ रहा है सर, पीछे बचेगा क्या? 0 3 -1 0। -2 के पास गया मैं, पीछे बचेगा क्या? इसको डिलीट, इसको डिलीट, 0 0 3 और -5। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, देखिए गणना करना है, तो इसका हम गणना करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका क्या बन रहा है? देखिए, इसमें 2 हीरो है और 2 ही कॉलम है, यानी 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट बन रहा है। और आप जानते हैं 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है, इसका गुणा 0 गुणा 0 माइनस इनका गुणा, -5 गुणा -1। देखिए, मैंने अभी बताया माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, 5 गुणा 1 कितना आएगा? 5 आएगा। देखिए, डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू तो है नहीं, ये 0 आ गया और -5 गुणा -1 कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे मैंने समझा दिया है, माइनस गुणा माइनस अभी मैंने आपको बताया क्या हो गया, प्लस हो गया।
जीरो गुणा जीरो जीरो आ गया, माइनस इनका गुणा करना, तीन गुणा माइनस एक यानी प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ तीन गुणा माइनस एक कितना आएगा, माइनस तीन आएगा, इस बात को समझना है। फिर इनका गुणा जीरो गुणा माइनस पाँच, जीरो को किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। फिर माइनस इनका गुणा तीन गुणा जीरो, ये भी जीरो, जीरो गुणा दो, ये पूरा क्या हो गया, जीरो। यहाँ क्या आ गया, तीन गुणा माइनस पाँच, जीरो माइनस पाँच क्या आएगा, माइनस पाँच आएगा। तीन गुणा माइनस पाँच कितना आ गया, माइनस का पंद्रह, माइनस माइनस बोलो प्लस हो गया, यानी यहाँ क्या आ गया, प्लस का तीन, तीन गुणा एक कितना तीन, माइनस पंद्रह प्लस तीन कितना आ गया, माइनस बारह, यानी यह डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है आपका, माइनस बारह। मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट एक संख्या होती है, इस डिटर्मिनेंट किस या कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बारह को रिप्रेजेंट कर रहा है।